एना न्यूज देख रहे हैं आप और मैं जामिन पीरजादा। मुल्क भर में रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है, इसी के साथ वादी कश्मीर के साथ साथ जिला गांधरबल में भी रोड सेफ्टी वीक जो है मनाया जा रहा है। जिला पुलिस गांधरबल की तरफ से इस मुहिम की शुरुआत की गई, जिसकी सरबराही DOSP हेडक्वार्टर्स गांधरबल गुलाम हसन कर रहे थे और इनके साथ साथ जो है रजाकाराना तंजीम के वॉलंटियर्स भी मौजूद थे, जिन्होंने लोगों को समझाया रोड सेफ्टी कितनी ज़रूरी है। और इसी हवाले से उन्होंने काफ़ी सारे लोगों की काउंसलिंग की और जो कानून की लापरवाही कर रहे थे उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की गई और कई बाइकों को यहाँ पर सीज भी किया गया। आज ट्रैफिक वीक चल रहा है, मैं शुक्रगुजार हूँ SSP गांधरबल DOSP गुलाम हसन साहब का, जिनकी वजह से हम यहाँ पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं। बेसिकली ट्रैफिक वीक जो है हम कोलैबोरेट कर रहे हैं गांधरबल डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जैसे कि हमारे राइडर्स हैं, उनको हम गुजारिश करते हैं कि अपने सेफ्टी गियर्स पहने, लाइक हेलमेट वगैरह पहने, और जो ड्राइवर्स हजरात हैं उनसे हम ये गुजारिश करते हैं कि सीट बेल्ट वगैरह पहने। और स्पेसिफिक एक और पॉइंट है वुमेन रिजर्वेशन पे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आपके माध्यम से मैं लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें सीट नंबर 1 to सीट नंबर 9 जो है वो फीमेल्स के लिए रिजर्व है, तो काइंडली इस रूल को जो है फॉलो भी कीजिए और रिस्पेक्ट भी कीजिए। और दूसरी बात, अगर वुमेन हरासमेंट खुदा ना खासा कहीं हमें किसी गाड़ी में मिल जाती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 108, तो किसी भी लेडी को खुदा ना खासा ऐसा लगता है कि मेरे साथ वुमेन हरासमेंट हो रहा है, तो उसे उस नंबर पर कॉल करना चाहिए, तो फौरी तौर उस नंबर से जब कॉल करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी।